हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के डेली की रेस की। 25 अक्टूबर 2023, टोटल 7 रेसेस हैं। फर्स्ट रेस 145 को है, तो चलिए बात करते हैं कल के डेली की रेस की। फर्स्ट रेस द लालबाग प्लेट डिवीज़न 1, 1000 मीटर की रेस है। हॉर्स रेट 40 to 66 क्लास 3 की, 145 को। 13 हॉर्सेस हैं यार। लास्ट टाइम भी मैंने इसको लिया था और इस बार भी इसको ही लेके चलूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ तो गड़बड़ हुआ था इस घोड़े के ऊपर और घोड़ा थर्ड लगा था। हॉर्स नंबर 7 असरफी, जो कि दीपक कुमार। देखो, 1200 मीटर में ना अच्छा टाइमिंग में जीता था, 9.13। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ घोड़े को, घोड़ा थर्ड लग गया। जो टाइम करके गया था उस टाइमिंग के हिसाब से नहीं आना चाहिए था, लेकिन कुछ तो रनिंग है राइडिंग में, इसीलिए इंक्वायरी भी ओपन हुई है। तो आई होप दोबारा ऐसा ना हो। हमेशा सेकंड थर्ड पोजीशन में बैठता था, लास्ट टाइम 9th पोजीशन से उड़ता हुआ आया था। तो लास्ट टर्न को हम इग्नोर करके अगेन लेके चलते हैं, अगर आपको प्लेस मिलते तो प्लेस के लो। फर्स्ट चेस हॉर्स नंबर 7 असरफी, जो कि दीपक कुमार, फॉर इन प्लेस। अब बात करते हैं सेकंड रेस द लाल बाग प्लेट डिवीज़न 2, 1000 मीटर की रेस है। हॉर्स रेट 40 to 66 क्लास 3 की, 2:15 पर। 12 हॉर्सेस हैं यहाँ पर। मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 8 अश्व समीरा, जो कि MB कुरेशी, फॉर विन प्लेस। स्टील शूज में भाग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से लास्ट रन था उस रन के अकॉर्डिंग अगेन ये घोड़ा जीतना चाहिए। प्लेस मिले तो प्लेस। सेकेंड रेस हॉर्स नंबर 8 अश्व समीरा, जो कि MB कुरेशी, फॉर इन प्लेस। अब बात करते हैं थर्ड रेस द वेनरगाटा प्लेट, 1200 मीटर की। हॉर्स एट 20 to 46 क्लास 4 की, 2:45 को। 14 हॉर्सेस हैं यहाँ पर। मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 मास्टर स्टाउट, जो कि आर परवेश, फॉर इन प्लेस। देखो, 10 नंबर भी है गोल्डन सन, लेकिन आफ्टर लॉन्ग लेअप के बाद भाग रहा है। देखो, भाव में तो आएगी दोनों के दोनों, लेकिन अभी 10 नंबर को लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि उसका रन नहीं है। तो अभी सीधा इसी के साथ चलते हैं, हॉर्स नंबर 5 मास्टर स्टाउट। देखो, जो टाइमिंग करके गया है ना घोड़ा, इसको एक्स्ट्रा 100 मीटर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से जीतना चाहिए। 4.52 इस टाइमिंग में घोड़े नहीं हारना चाहिए, बाकी रेसिंग है यार, कुछ भी होता है रहता है। तो मैं सिंगल ही लेके चल रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो 1 हॉर्स रेस होगा। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 5 मास्टर स्टाउट, जो कि आर परवेश, फॉर इन प्लेस। और एक घोड़ा प्लेस के लिए पसंद है, ध्यान रखना। हॉर्स नंबर 7 स्पार्टन एक्स, जो कि फैजान खान, फॉर प्लेस। देखो, इसका लास्ट रन आप इग्नोर करो, ये घोड़ा कल प्लेस आ सकता है, ऑफसेट भी कर सकता है, ध्यान रखना इसके ऊपर। लेकिन मैं सीधा एक ही घोड़े पर कंसिस्टेंट हूँ। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 5 मास्टर स्टार्ट, जो कि आर परवेश, फॉर विन प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस द कावेरी प्लेट, 1400 मीटर रेस है। हॉर्स रेट 20 to 46 क्लास 4 की, 3:15 पर। 10 घोड़े हैं यहाँ पर। मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 हीर, जो कि VR कुमार, फॉर इन प्लेस। लास्ट दोनों बार जीता हुआ है और होप करते हैं कि यार अगेन जीते। घोड़ा फॉर्म में है, तो एक बार घोड़ा फॉर्म में आता है ना तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो होप करते हैं कि दोबारा रिपीट करे घोड़ा क्लास 4 में। 2 बार क्लास 5 में जीता हुआ है, अभी रिटेंशन दे रहे हैं। लास्ट टाइम 59.5 में जीता था, अभी बिल्कुल रिपीट होना चाहिए, नो क्वेश्चन। थर्ड फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 5 हीर, जो कि VR कुमार, फॉर इन प्लेस। सेम जॉकी रिपीट कर रहा है तो एडवांटेज है अभी। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस द बेंगलोर टर्फ क्लब कप,
1200 मीटर की रेस है, हॉर्स रेटेड 80 एंड अबव क्लास वन की, 3:45 पर, 14 हॉर्सेस हैं और बहुत सारे घोड़े कंटेंडर है यार, मतलब एक घोड़े को भी छोड़ा नहीं जा सकता, मैक्सिमम घोड़े हैं। सी जे ब्यूटी है, 10 नंबर शाने अजीम है, 2 बार जीता हुआ है, और हुकामोरी भी है, विजय भी है, बहुत सारे घोड़े, 3-4। लेकिन मैं इसमें प्लेस खेलना बेटर से समझूंगा, अगर जीतता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या भाव खुलता है देखते हैं। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 3 विजय, जो कि अमैन मर्चेंट फॉर प्लेस, विन प्लेस, आप प्लेस खेल सकते हो, जीत भी सकता है घोड़ा, क्योंकि देखो 18 नंबर रेस में ये थर्ड लगा था और 2 नंबर जीता था 60 पैसे में, लेकिन अभी 2 नंबर पर पेनल्टी भी है और ड्रॉ बहुत ही आउटसाइड हो गया है, 13 नंबर का ड्रॉ है और 3 नंबर का 4 नंबर का ड्रॉ है, उसी के साथ भागा हुआ है, अभी जॉकी भी चेंज हुआ है, अमिन मर्चेंट बैठा है, जीत सकता है और 1200 मीटर जीता हुआ भी है, तो आप प्लेस खेलो बेटर है, इतने घोड़े में विन निकालना भी मुश्किल है। मैं इसी के साथ ही मतलब जाऊंगा कि यार अगर इंच्यू भी होगा तो यही घोड़ा है। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 3 विजय, जो कि अमेन मर्चेंट फॉर इन प्लेस, आप प्लेस खेलो सेफ बेट, मैं बहुत मतलब ये तो लग रहा है यार प्लेस आउट नहीं होगा, जीते ना जीते लेकिन प्लेस आउट तो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्स रेस द कर्नाटका प्लेट डिवीजन 1, हॉर्स रेटेड 4:30, 1000 मीटर की, क्लास 5 की, 4:15 पर, 10 घोड़े हैं। देखो चोरी नहीं हुई तो 1 हॉर्स रेस है, मैं अब क्या बोलूं कि रेसिंग कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंट होना भी मुश्किल हो जाता है। उस दिन कौन सा घोड़ा, NRI फेरी, उसका घोड़ा लेम हो गया घोड़ा, अब क्या बोलें यार, अच्छे अच्छे घोड़े अगर फेर टूट जाते हैं तो क्या बोलें। देखो मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं जितना हैंडीकेपिंग किया हूँ, इसको मारने वाला घोड़ा नहीं बैठा, अब कुछ गड़बड़ होगी तभी घोड़ा हार सकता है, लेकिन ये घोड़ा दोबारा रिपीट होना चाहिए। सिक्स रेस हॉर्स नंबर 1 मास्टर काउबॉय, जो कि नरेंद्र एस राठौड़ फॉर इन प्लेस, फेवरेट खुलेगा, दोबारा जीतना चाहिए यार, अगर चोरी नहीं होगी कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो 1 हॉर्स रेस है और पूरे दिन का बेस्ट बेट लग रहा है ये। सिक्स रेस हॉर्स नंबर 1 मास्टर काउबॉय, जो कि नरेंद्र एस राठौड़ फॉर इन प्लेस, देखो फील्ड में कोई है नहीं मारने वाला, अब चोरी होगी तो हारेगा नहीं तो 1 हॉर्स रेस है। अब बात करते हैं सेवेंथ रेस लास्ट रेस द कर्नाटका प्लेट डिवीजन 2, 1000 मीटर की, हॉर्स रेटेड 4:30, क्लास 5 की, 4:45 को, 10 घोड़े हैं। यहाँ पर भी सिंगली घोड़ा पसंद है, हॉर्स नंबर 8 अश्व सिग्मा, जो कि विवेक जी फॉर इन प्लेस, ये घोड़ा भी जीतना चाहिए लेकिन लास्ट रेस है, बेटर देन आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन घोड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल फील्ड के लिए, मतलब अगर फेवरेट खुलता है तो डिजर्विंग फेवरेट है। सेवेंथ रेस हॉर्स नंबर 8 अश्व सिग्मा, विवेक जो कि विवेक जी फॉर इन प्लेस, देखो 2-3 घोड़े अच्छे लग रहे हैं, भले ही उस दिन कुछ भी ना आया हो लेकिन ये 2-3 घोड़े कल बिल्कुल बोर्ड पे होने चाहिए यार, चोरी नहीं हुई तो मैक्सिमम घोड़े बोर्ड पे होने चाहिए, जितना भी मैंने दिया और मैं 2 घोड़े पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 5 मास्टर स्टाउट और सिक्स रेस हॉर्स नंबर 1 मास्टर काउबॉय, ये 2 घोड़े जीतने चाहिए, अब चोरी नहीं होगी तो ये दोनों कल विनर है मेरे हैंडीकैपिंग में। तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए, संभल के खेले, जहाँ प्लेस मिलती है तो प्लेस ही खेले, सेफ बैठ है, पैसा आना चाहिए। तो फिर मिलते हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं परसों कोलकाता डर्बी रेस में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, गुड बाय।